अलहमद लाला, कैसी हैं? ठीक ठीक ठाक। ठाक। हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्क्रीन शेयर में कर रही हूँ आपके साथ। चले अच्छा, सेट सिक्स हमारे पास एमसीक्यूज का स्टार्ट हो गया है। वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स इज। माइक्रो प्रोसेसर तो प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर होते हैं। वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन आईओ डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली द सेम एज ऑल द साइकिल टाइम। मेरे यहाँ से माइक्रो डज नॉट कंटेन आईओ डिवाइसेस। प्रोसेसर्स में आईओ डिवाइसेस नहीं होते, सिस्टम में आईओ डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होते इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन माइक्रो प्रोसेसर। छोटे प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं मशीन लैंग्वेज में, या मशीन लैंग्वेज हाईला ऑपरेशन कोड्स में, नॉमिक्स ऑपरेशन कोड। ये बोथ ए एंड बी। नहीं, मशीन लैंग्वेज से ही निकला है। माइक्रो प्रोसेसर छोटे हैं ना, तो ये तो हमें पता नहीं है। मिनोमिक्स ऑपरेशन कोड पता नहीं क्या होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो वो होती है जो ह्यूमन के साथ। निमोनिक्स ऑपरेशन कोड्स होते हैं ना, ये सिमिलर, ये भी मशीन लैंग्वेज में ही आते हैं। यानी कि वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर आते हैं, उसमें ये निमोनिक्स यूज होते हैं। जैसे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ऐड, सबट्रैक्ट, इस तरह की। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज हो नहीं सकती, तो ये तो फॉल्स है ऑलरेडी, वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलो सही है, मिनोमिक्स का पता चल गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अ माइक्रो प्रोसेसर जनरली क्या होती है? चिप विथ होती है, लेकिन अब MSI होती है, SSI होती है, LSI होती है, ये कोई नहीं पता। हम शायद LSI होती है। हम दोनों कर लें, बोथ एंड बी, या LSI करें? हाँ, बोथ एंड बी भी कर सकते, चले कर लें। बोथ एंड बी हो गया, LSI। चलो ठीक है, गलत क्योंकि फिर सही वाला याद जरूर रहेगा। LSI ना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होती है ना, वो यूज होती है चिप। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर जनरली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सिंगल चिप लार्ज स्केल और मल्टी सेम इंटीग्रेशन। चलो जी आगे चलते हैं। अब लास्ट LSI याद तो रहेगा ना। रोटेट इंस्ट्रक्शन इन माइक्रो प्रोसेसर बिलोंग्स टू डाटा ट्रांसफर ग्रुप, लॉजिक ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, ब्रांच ग्रुप। रोटेट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में किससे बिलोंग करती है? लॉजिक ग्रुप से, क्योंकि अरिथमेटिक तो ये फंक्शन बना नहीं। ब्रांच ग्रुप से होगा, ब्रांच डेटा ट्रांसफर ग्रुप ना, रोटेट कर रही है ना, तो ब्रांच ग्रुप। क्या करें? टिक या डेटा डेटा मुझे लग रहा है डेटा ट्रांसफर ग्रुप, लेकिन ये भी लॉजिक ग्रुप मुझे सही लग रहा था, आपको भी गलत हो गया। और नहीं, वो ब्रांच ग्रुप का मैं वैसे कह रही थी कि लॉजिक ग्रुप मैंने सबसे पहले बोला था। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि जो मैं तुक्का लगाती थी ना, मेरे जहन में होता था कि ये चीज सही होएगी, तो उसके बाद मैं कर कुछ और देती थी, यानी अप्लाई। जैसे मैंने ब्रांच ग्रुप बाद में कहा तो मैंने इसको कर दिया, तो लॉजिक ग्रुप पहले वाला बोला था वो सही था। अक्सर का मेरे MCQs ऐसे गलत होते थे, जो पहले सोचती थी वो सही होता था, उसको गलत करके कोई और कर देती थी। चलो, अपनी अपनी किस्मत की बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू खुल जा। अच्छा, माइक्रो प्रोग्रामिंग इज डिजाइन्ड ऑफ। माइक्रो प्रोग्रामिंग डिजाइन की जाती है किसमें? कंट्रोल यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU, ROM। CPU माइक्रो, अब ये कोई पता नहीं है मुझे, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। ROM नहीं, कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्रामिंग डिजाइन ऑफ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने MCQ ही नहीं समझा। माइक्रो प्रोग्रामिंग इज डिजाइन ऑफ, किस से माइक्रो प्रोग्रामिंग डिजाइन की गई होती है, किस चीज से?
कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट के ऊपर माइक्रो प्रोग्रामिंग होगी ना. जैसे माइक्रो प्रोग्रामिंग किचन में है क्या, जैसे घड़ी है हमारी, ये माइक्रो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, तो वो एक पूरा यूनिट होता है. ठीक है, तो वो एक पूरे यूनिट के ऊपर जो प्रोग्रामिंग हुई होती है उसको माइक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं. जैसे मशीन हो गई हमारी चलने वाली, वॉशिंग मशीन हो गई, चिप्स के ऊपर पूरी प्रोग्रामिंग होती है, तो वो एक पूरी कंट्रोल यूनिट होती है. ये सेंस है. अच्छा, आगे चलते हैं. द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी? सीमॉस, सीमॉस नहीं, एनमॉस होगी. चलें जी, दूसरा तो सही था, एनमॉस. अच्छा, ये मुश्किल एमसीक्यूज है, मतलब इस तरह के मुझे नहीं लगता कि ये आएंगे. माइक्रो प्रोसेसर विद 12, हाँ इस तरह के एमसीक्यू आते हैं. बहरहाल ये क्या, अभी क्यों मुझे मैसेज दे रहा है? विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट टाइम लिमिट. पता नहीं. अच्छा, अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेसेस लाइंस इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग. अच्छा, ऐसा एमसीक्यूज मुझे याद आ रहा है कि कहीं पहले भी एनटीएस के टेस्ट में आया हुआ था. विद 12 एड्रेस लाइंस इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग, कितनी लोकेशन का एड्रेस कर सकता है ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसके पास 12 एड्रेस लाइन होंगी? तो आई थिंक सो, पता नहीं अब कितनी लोकेशन को कर सकेगा. हम इसको करते हैं तो कम आते हैं, कहीं 4096 लोकेशन को कर सकेगा. ये मुझे नहीं पता, इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है कि एड्रेस लाइंस पता नहीं कितनी होंगी तो कितनी, लेकिन मुझे भूली हुई है इसकी कैलकुलेशन. एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नेट पे डालते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं. हाँ, सही आइडिया हो जाएगा. अच्छा, कोई क्लू मिल जाएगा ना. How to address lines are there in how many memory location can be addressed by a, ठीक है, address how many memory location, क्योंकि ये memory location वाला question अक्सर औकात computer के questions में आया होता है, इसलिए मैं इसको बस clear करना चाह रही हूँ ताकि हम देख लें. ये देखें, how many memory location can be addressed by a microprocessor with 14 address line. अब वहाँ 12 था, अब यहाँ 14 address line है, तो अब ये क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं. अब ये इसका आंसर कोई कहीं से मिले, सी आंसर. टू रेज टू पावर 14, टू की पावर 12 में भी, हाँ टू की पावर में जाता है. इन जनरल फॉर एन बिट एड्रेस बस इट्स टू पावर एन, टू की पावर एन लगानी है, टू की पावर एन लगानी है. तो अगर टू एड्रेस लाइंस होंगी तो हम उसको टू टू आर फोर हो जाएगा, और अगर फोर एड्रेस लाइंस होंगी तो फिर हम वो कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना. टू की पावर एन हो गई तो 14 एड्रेस लाइंस हैं, तो टू की रेज टू पावर 14 हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, आंसर 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 क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ की टू को इतने टाइम्स आपस में, हाँ टू को इतने टाइम्स उसकी पावर ले लेनी है, तो बस आंसर आ जाएगा. सिंपल सी बात है, बस टू की पावर एन करना है हमने हमेशा. तो यहाँ 12 एड्रेस लाइन थी, तो टू की पावर एन करेंगे 12 के साथ, तो 4096 आंसर आता है. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम थोड़ा रह गया है फिर से, पता नहीं मैंने शायद टाइम नहीं सेट किया. द पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क कंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी लोडेड व्हेन यू स्टार्ट टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लोडेड. When you start or restart the computer, it's called part of the hard disk containing the operating system. Active partition. Active. Passive partition. मुझे भी ये लग रहा है. ये तो मुझे भी नहीं पता. Oh, good. सही, active partition कहते हैं उसको. Active. चलो जी. 9 MCQ क्या है? In Macintosh, an error that makes it impossible for the application or the operating system to continue is क्रैश. मैकिंटोश, इन एरर, एरर का क्या नाम होता है? बॉम्ब होगा या हार्ट होगा,
मैकिंटोश, मैकिंटोश में हॉल्ट भी हो सकता है। क्योंकि हमने हार्ट तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आता था ना, जो उसको वो कर देता था, रोक देता था। खैर पहले हार्ट ही करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। बॉम्ब, बॉम्ब या क्रैश, नहीं नहीं बॉम्ब ठीक है, पता क्यों क्रैश और फेलियर एक्चुअल में उसके लिए नहीं यूज होते, ये प्रॉपर वर्ड है ना। तो हमने अपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पढ़ा था कि जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें हार्ट होता है, और मैकिंटोश में जाहिर सी बात है मुझे लगा बॉम्ब होगा। सही है। वो देखो ना, वो कह रहे हैं कि एरर, एरर का नाम बताना है हमने, तो एरर हाल्ट होता है, तो एरर का नाम वहां पे मैकिंटोश में बॉम्ब रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, अच्छा जी आगे करते हैं। बस सीधा सीधा बॉम्ब याद रखी छोड़ है कि मैकिंटोश बॉम्ब फटना वो द लोडिंग ऑफ एन सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बूट। बूट, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनटू मेमोरी, लोड या बूट पता नहीं, बूट 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 सही है। चलो जी एमसीक्यूज नंबर 7, जल्दी जल्दी हो जाए हमारे 10 मिनट्स में। द पार्ट ऑफ द फॉर्मेटेड डिस्क कंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग प्रोग्राम इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ कंप्यूटर व्हेन इट स्टार्ट्स रनिंग अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटेड डिस्क, बूट रिकॉर्ड, बूट डिस्क, बूट डिस्क होगा नहीं, बूट स्ट्रैप या बूटस्ट्रैप। और पार्ट ऑफ द डिस्क जो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को लोड, ये बूट रिकॉर्ड ही है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग प्रोग्राम इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द कंप्यूटर व्हेन इट इज स्टार्ट व्हेन इट स्टार्ट्स रनिंग रनिंग ठीक है। फॉर्मेटेड डिस्क का नाम ठीक बूट रिकॉर्ड रिकॉर्ड है, उसने रिकॉर्ड किया होता तो बस उसका नाम बूट रिकॉर्ड रख दिया इन्होंने। चलो अगला करते हैं। ठीक है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होएगा ना, हाँ सॉफ्टवेयर ही है सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। द शेयरिंग टेक्निक अलाउज हाउ मेनी यूजर्स टू यूज अ कंप्यूटर सिस्टम एट वन टाइम, टाइम शेयरिंग टेक्निक अलाउज, टाइम शेयरिंग अलाउ हाउ मेनी यूजर्स, वन यूजर, टू यूजर, नो यूजर, मल्टी यूजर टू यूज अ कंप्यूटर सिस्टम एट वन टाइम, वन यूजर ही होता है पता नहीं, फिर नो यूजर, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग टेक्निक अलाउज हाउ मेनी यूजर्स टू यूज अ कंप्यूटर सिस्टम एट वन टाइम, मल्टी यूजर, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रही था। बहरहाल इसका आंसर मल्टी यूजर। The process of running multiple programs simultaneously is called multi-processing, multi-processing. A process of running multiple programs, तो multi-processing होएगा ना, program run हो रहे हैं तो उनका जो process होगा multi-processing होगा, फिर काम हो रहा है ना ज़्यादा multi-programming अच्छा प्रोग्राम्स है तो प्रोग्रामिंग होगा, अगर प्रोसेस होते तो फिर मल्टी प्रोसेस, बस प्रोग्राम है तो प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, हालांकि ये मल्टी प्रोसेसिंग है क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो बैक एंड में तो प्रोसेसिंग हो रही है ना। चलो द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, ये हमें क्या बताओ, functionality of different different oh portability portability the functionality of different different software and hardware at the same time is called ye kuch ajeeb portability theek bare portability isko yaad rakh le ab and the user working on the operating system cannot communicate the computer directly select that system टाइम शेयरिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये कोई मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉट कम्युनिकेट द कंप्यूटर डायरेक्टली सेलेक्ट दैट सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होगा फिर। हाँ जी सही निकल गया, यही है ठीक है। आगे विच ऑफ विच वन अलाउज अस एक्सेस द इंटरनेट सिक्योरली, फायरवॉल, ऑल ऑफ द अबव,
फायरवॉल फायरवॉल आई गेस ठीक है फायरवॉल ही है. Which one allows us access the internet securely? Firewall. ठीक है जी आगे. What hide the functionality of kernel from user? Shell. Hardware HDD. Shell होएगा shell. Shell. अच्छा. The time elapsed from input to output is called response time. Response time. Response time ही है. Mm-hmm. अच्छा जी. In which system we can access the computer remotely?